हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमृता मौर्या कोचिंग क्लासेस। आपके साथ मैं हूं अमृता। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसे हिंदी में हम हरित क्रांति कहते हैं। इस रिवॉल्यूशन का, इस क्रांति का कृषि से संबंध है और ये पूरे विश्व के कृषि पर इसका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा असर है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या असर भारतीय कृषि पर हुआ, कब इसे अपनाया गया और ये पूरा का पूरा मेथड क्या है, इंडिया में इससे क्या फ़ायदा हुआ या फिर ये इसे अपनाना एक फेलियर रहा, ये सारे जितने भी इससे रिलेटेड पॉइंट्स हैं हम उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस इन 1916 टू मेक इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी कि ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ये जो हरित क्रांति है, वो 1960 के दशक में इंडिया में लाया गया, इसे अपनाया गया। और अपनाने का मेन मोटिव ये था कि यहाँ पर जो अनाज उस टाइम पैदा हो रहा था, उसके क्वालिटी में, उसके रेट में, मैंने कि कितना पैदा हो रहा है, उससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं ना, उसमें इजाफा करने के लिए, उसमें फ़ायदा करने के लिए इस रेवोल्यूशन को अपनाया गया था, इस क्रांति को इंडिया में लाया गया था। जो नेक्स्ट पॉइंट है, दैट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब। यानी कि इंडिया में सबसे पहले अगर किसी राज्य से इसे शुरू करा गया तो दैट इज़ पंजाब, पंजाब से इसे शुरू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि नॉर्मन बारलॉग इज़ नोन एज फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। यानी कि पूरे विश्व में अगर ग्रीन रेवोल्यूशन का किसी को फादर माना जाता है, दैट इज़ नॉर्मन बारलॉग। फ्रेंड्स, ये है नॉर्मन बारलॉग की फोटोग्राफ। ये एक्चुअली में एक अमेरिकन प्लांट ब्रीडर थे, यानी कि एक अमेरिकन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे, और इन्हीं को ही ग्रीन रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, फादर माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि एम एस स्वामीनाथन इज़ द फाउंडर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। यानी कि ऊपर मैंने बताया कि नॉर्मन बारलॉग को तो वर्ल्ड में इस रेवोल्यूशन का जनक माना जाता है, लेकिन इंडिया में इसे इंट्रोड्यूस करने का और इसका अगर खोजकर्ता किसी को माना जाता है तो दैट इज़ एम एस स्वामीनाथन। एंड हियर दिस इज़ द पिक्चर एम एस स्वामीनाथन। फ्रेंड्स, अब बात करने वाले हैं कि मोटिव ऑफ दिस रेवोल्यूशन, यानी कि इस पूरे क्रांति को इंडिया में अपनाने के पीछे का मतलब उद्देश्य क्या था। तो द फर्स्ट वॉज टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। यानी कि जो भारत में अनाज पैदा हो रहे थे उनमें वृद्धि करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज हम पैदा कर सकें। ठीक है, जैसे धान की उपज हो गया, यानी कि पैडी की जो प्रोडक्शन है उसमें इंक्रीज हो, या फिर गेहूँ यानी कि वीट के प्रोडक्शन में इंक्रीज हो। सेकेंड जो मोटिव था दैट वॉज कि मेंटेनेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ एग्रीकल्चर। फ्रेंड्स, ये ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य नहीं था कि हम अपने उत्पादन को बढ़ाएं, बल्कि ये भी था कि आजकल के जो नए नए इनोवेशंस हैं, जैसे कि नए नए मशीन्स हैं, नए नए तरीके हैं, नए नए फर्टिलाइजर्स यूज़ हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स हो रहे यूज्ड हो रही हैं, उन सारी चीज़ों से खुद को मतलब इंट्रोड्यूस कराना, उसको समझना। ठीक है, सो ये दो मोटिव्स थे जिसके लिए इस रेवोल्यूशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया, इंडिया में लाया। अब बात करने वाले हैं कि मेजर टेकन इन द ग्रीन रेवोल्यूशन, यानी कि हरित क्रांति में क्या क्या कदम उठाए गए थे। ठीक है, सो फर्स्ट मेजर वॉज यूज ऑफ हायर यील्डिंग वैरायटी सीड्स। यानी कि उन बीजों का उपयोग करना जो जिन्हें उपयोग करने से वो ज़्यादा पैदावार देती हैं। ठीक है, मेनली ये जो HIV सीड्स होती है ना, इसमें इम्प्रूवमेंट की जाती है साइंटिफिक तौर से, इन्हें लैब में या फिर कुछ अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके इनमें इम्प्रूवमेंट की जाती है, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा पैदा कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके। ठीक है, मैनी यूजफुल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड एज वेल। यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप लिया गया, दैट इज़ कि HIV सीड्स को यूज़ करा गया, यानी कि उस तरह के सीड्स को यूज़ करा गया जिन्हें यूज़ करने से जो प्रोडक्शन है, जो उत्पादन है अनाज में, उसमें वृद्धि हो। साथ ही साथ सिर्फ अच्छे बीजों बीज डालने से, अच्छे सीड्स का यूज़ करने से कुछ नहीं होता, उस प्लांट की, उस अनाज की देखभाल करने के लिए बहुत सारे फर्टिलाइजर डाले गए, और फर्टिलाइजर के साथ साथ ये पेस्टिसाइड डालेंगे। फर्टिलाइजर का मतलब खाद होता है और पेस्टिसाइड का मतलब कीटाणुनाशक होता है। मतलब मेनली क्या होता है कि जब अनाज यानी कि जब फूड ग्रेन्स का जब डेवलपमेंट हो रहा होता है, वो जब पक रहे होंगे, उनकी रिपनिंग हो रही होती है, तो उनमें बहुत सारे कीड़े लग जाते हैं,
तो इस रिवोल्यूशन के दौरान ये यूजफुल चीज़ें यूज़ कराई गई ताकि प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके बिना किसी डैमेज के। फ्रेंड्स, आप यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूज़ करे गए और ये इस तरह के सीड्स यानी कि इम्प्रूव्ड किए गए सीड्स इसमें यूज़ करे गए। अगला जो कदम उठाया गया था इस रिवोल्यूशन में वो ये था कि इंट्रोडक्शन टू न्यू मशीन्स एंड न्यू क्रॉपिंग सिस्टम, यानी कि इस रिवोल्यूशन के दौरान नए नए मशीन्स को कैसे यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ इमेज में देख रहे हैं ना, ऐसे बड़े बड़े ट्रैक्टर्स, ऐसे बड़े बड़े और वर्पिंग में के टाइम में यूज़ होने वाले मशीन्स होते हैं, टूल्स होते हैं, उन्हें इंट्रोड्यूस करा गया, बताया गया लोगों को कि आप इनको यूज़ करें, आपकी मेहनत को भी बचाएगा और प्रोडक्शन में भी हेल्प करेगा। ठीक है, और उसके साथ है एक और वर्ड, दैट इज़ न्यू क्रॉपिंग सिस्टम। ठीक है, आप यहाँ पे एक इमेज देख रहे होंगे, दैट इज़ कि यहाँ पर दो दो प्लांट्स, यहाँ पे ये स्पिनच है यानी कि ये पालक की खेती की गई है, और यहाँ पे मटर भी एक साथ लगाया गया है। यानी कि लोगों को ये सिखाया गया कि कम से कम जगह में भी आप कैसे ज़्यादा चीज़ें उगा सकते हैं, कैसे अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे कदम, ये सारे स्टेप्स उठाए गए इस ग्रीन रिवोल्यूशन में। ठीक है फ्रेंड्स, हमने रेवोल्यूशन क्या है, कैसे यूज़ करा गया, क्या क्या स्टेप यूज़ करा, एंड लास्ट बात आती है कि रिजल्ट्स की, यानी कि हाउ वाज दिस होल रेवोल्यूशन, रेदर इट इज़ फेल्ड और पास। देर इज़ अ रैपिड ग्रोथ इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन, स्पेशली इन द व्हीट। जैसे कि ये जो रिवोल्यूशन था ये काफ़ी हेल्पफुल रहा और काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा, क्योंकि इसकी वजह से जो जो अनाज है ना उसके प्रोडक्शन में काफ़ी इंक्रीज हुई, काफ़ी बढ़ा वो प्रोडक्शन। ठीक है, और स्पेशली गेहूं के प्रोडक्शन में, मैंने ऊपर ही आपको बताया था कि ये सबसे पहले स्टेट में अगर किसी में यूज़ किया गया था पंजाब में, और पंजाब से जो रिलेटेड एरियाज थे वहाँ पे जो गेहूं की जो खेती थी ना स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी इस रेवोल्यूशन के दौरान। यानी कि ये ओवरऑल ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन था ये एक सक्सेसफुल रेवोल्यूशन था। इसने न सिर्फ प्रोडक्शन को बढ़ाने में मदद की बल्कि हमें बताया कि कैसे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करना है, कैसे नई नई मशीन से हमारा परिचय करवाया, हमें इंट्रोड्यूस कराया नए नए मशीन से, नए नए क्रॉपिंग सिस्टम से। सो ये पूरा था ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट बातें। सो उम्मीद करती हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे, जितने भी सवाल आपके मन में होंगे, इस वीडियो के ज़रिए वो सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।